वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा साजना दिवस विसाखी का पर्व सिख पंथ वालों बड़ी श्रद्धा भावना उत्साह के सहित पूरे संसार के विच मनाया जाता है। इस बार भी खालसा साजना दिवस विसाखी का यह पर्व जिथे पूरी दुनिया के विच मनाया जा रहा है, उत्थे तख्त श्री दमदमा साहब की पावन पवित्र धरती के उत्ते समुचे गुरु खालसा पंथ वालों इस पर्व नूं इस वार भी बड़ी श्रद्धा भावना ते उत्साह सहित मनाउण दे वड्डे उपराले कीते गए ने। अज श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हो चुके ने। धार्मिक दीवान तख्त साहिब दे पावन पवित्र अस्थान दे उत्ते 10 तरीक तो ही लगातार 7 तो लैके रात 10 बजे तक चल रहे ने ये विशेष धार्मिक समागम ने जिहड़े तख्त साहिब विखे हो रहे ने। खंडे बाटे का अमृत संचार तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन धरती के उत्ते 13, 14, 15 तिने दिनों पंज प्यारे साहिबान वालों करवाया जाना। सिख संगत नूं इहो अपील है, बेखौफ होके बेपरवाह होके तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन धरती के उत्ते खालसा साजना दिवस मनाउण दे लई असी हुम हुम आ के पहुंचीए, तख्त साहिब विखे दर्शन करिए। धार्मिक दीवान सजे ने गुरु साहिबान का इतिहास, सिख विचारधारा, सिख फलसफा, कथावाचक साहिबान पासों ते अलाही बाणी का कीर्तन रागी जथियां पासों सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। जिहड़ियां संगतां अमृत दियां बलाखी ने खंडे बाटे की पहुल छकना चाहुंदियां ने, उह तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन पवित्र धरती के उत्ते आ के खंडे बाटे की पहुल छकन, गुरु वाले बनन, नशा का त्याग करन। अज इहो ही सब तो वड्डी जरूरत है। असी खालसे का जन्मदिन मना रहे हैं, खालसे का प्रकाश पुरब मना रहे हैं, तो खालसे के इस प्रकाश पुरब के मौके, खालसे के इस साजना दिवस के मौके के उत्ते अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन विचारधारा दे नाल जुड़िए, सिख फलसफे तो जाणू होइए, सिख परंपरावां तो जाणू होइए। अज जो समाज के विच असी अफरा तफरी का माहौल देख रहे हैं, खास तौर पर साडे सिखां दे अंदर, इहदा वड्डा कारण यह है कि असी अपने फलसफे तो, अपनियां परंपरावां तो, अपनी मर्यादा तो, अपने संस्कारां तो दूर जा चुके हैं। खास तौर पर साडी नौजवानी, असी अपने मूल वल आईए, बाणी वल आईए, बाणी दे धारनी बणीए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा साजना दिवस विसाखी का पर्व सिख पंथ वालों बड़ी श्रद्धा भावना उत्साह के सहित पूरे संसार के विच मनाया जाता है। इस बार भी खालसा साजना दिवस विसाखी का यह पर्व जिथे पूरी दुनिया के विच मनाया जा रहा है, उत्थे तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन पवित्र धरती के उत्ते समुचे गुरु खालसा पंथ वालों इस पर्व नूं इस वार भी बड़ी श्रद्धा भावना ते उत्साह सहित मनाउण दे वड्डे उपराले कीते गए ने। अज श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हो चुके ने। धार्मिक दीवान तख्त साहिब दे पावन पवित्र अस्थान दे उत्ते 10 तरीक तो ही लगातार 7 तो लैके रात 10 बजे तक चल रहे ने ये विशेष धार्मिक समागम ने जिहड़े तख्त साहिब विखे हो रहे ने। खंडे बाटे का अमृत संचार तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन धरती के उत्ते 13, 14, 15 तिने दिनों पंज प्यारे साहिबान वालों करवाया जाना। सिख संगत नूं इहो अपील है, बेखौफ होके बेपरवाह होके तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन धरती के उत्ते खालसा साजना दिवस मनाउण दे लई असी हुम हुम आ के पहुंचीए, तख्त साहिब विखे दर्शन करिए। धार्मिक दीवान सजे ने गुरु साहिबान का इतिहास, सिख विचारधारा, सिख फलसफा, कथावाचक साहिबान पासों ते अलाही बाणी का कीर्तन रागी जथियां पासों सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। जिहड़ियां संगतां अमृत दियां बलाखी ने खंडे बाटे की पहुल छकना चाहुंदियां ने, उह तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन पवित्र धरती के उत्ते आ के खंडे बाटे की पहुल छकन, गुरु वाले बनन, नशा का त्याग करन। अज इहो ही सब तो वड्डी जरूरत है। असी खालसे का जन्मदिन मना रहे हैं,
खालसे का प्रकाश पर्व मना रहे हैं ते खालसे दे इस प्रकाश पर्व के मौके खालसे दे इस साजना दिवस के मौके दे उते अज श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की पावन विचारधारा दे नाल जुड़िए सिख फलसफे तो जाणू होइए सिख परंपरावां तो जाणू होइए। अज जो समाज दे विच असी अफरा तफरी का माहौल देख रहे हैं खास तौर पर साडे सिखां दे अंदर इहदा वड्डा कारण है कि असी अपने फलसफे तो अपनियां परंपरावां तो अपनी मर्यादा तो अपने संस्कारां तो दूर जा चुके हैं खास तौर पर साडी नौजवानी। असी अपने मूल वाल आईए बाणी वाल आईए बाणी दे धारनी बणीए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।